रक्षा बंधन, ऐसा त्योहार जिसमें एक बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई रक्षा करने का वचन देता है। पूरे देश में त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन जब बात राजस्थान की हो तो यहाँ जैसे हर त्योहार को लेकर एक अलग सा उत्साह होता है, वैसा ही रक्षाबंधन में भी देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी विजयवर्गीय, आपके साथ स्वागत करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम में। और इस भाई बहन के प्यार के त्योहारों की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो आज रक्षाबंधन स्पेशल प्रोग्राम में हम देखेंगे कि मरुधरा में रक्षाबंधन को लेकर कितना उत्साह है और कैसे ये त्योहार मरुधरा में मनाया जाता है। सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन राजस्थान में एक जगह ऐसी भी है जहां बेटियां पेड़ों को राखी बांधती हैं। आखिर क्या है इस अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन मनाए जाने का रिवाज, चलिए देखते हैं। हाथ में सजी धजी रक्षाबंधन की थाली, राखी बांधने के लिए आतुर बहनें और इको फ्रेंडली रक्षाबंधन के जरिए दुनिया भर को पर्यावरण संरक्षण का संदेश। ये नजारा है राजसमंद की निर्मल ग्राम पंचायत पीपलांत्री का, जहां गांव की बेटियां पेड़ पौधों को राखी बांधकर अनोखा रक्षाबंधन पर्व मनाती है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। पीपलांत्री पंचायत में बेटी के जन्म होने पर 111 पौधे लगाए जाते हैं, जिनका बेटी और उसका परिवार न सिर्फ देखभाल करता है बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानकर राखी बांधकर दुनिया को बेटी जल जंगल और पर्यावरण बचाने का संदेश देती है। देखिए, हम लोग पर्यावरण महोत्सव इसलिए मनाते हैं कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो कि आज हमने कोरोना काल देखा है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है, दूसरा बेटियों को बचाना बहुत जरूरी है। तो हमने एक विषय लिया है कि बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर गांवों को, गांवों में टूरिस्ट आए, गांव में स्वच्छता हो, गांव में अच्छा पानी हो, गांव में वन्य जीव दिखे, गांव में जैविक खेती हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जहां एक और पूरे विश्व पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर जहां विश्व चिंता में है, तो वहीं राजस्थान के राजसमंद जिले का एक छोटा सा आदर्श ग्राम पीपलांत्री की बेटियां पेड़ लगाकर और उस पर राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के कंट्री कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प भी पहुंचे और उन्होंने अपनी विशिष्ट टीम के साथ इको फ्रेंडली रक्षाबंधन में भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि पीपलांत्री का ये मॉडल अगर दुनिया आत्मसात कर ले तो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संकट की समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दुनिया का 20% आबादी का हिस्सा भारत है, ऐसे में छोटे से गांव की पहल पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है। Yeah, so on behalf of the United Nations in India, it's a great honor to be here in Pipalantri, beautiful Pipalantri in Rajsamand, Rajasthan. The inspiration, the power of one person's vision, Sri Palival, what he started here by one person respecting and valuing the girl children in the village, and by respecting and valuing nature and the environment and water, has turned a place that was quite barren and facing so many environmental challenges. Piplantri panchayat mein betiyan pedon ko bhai manti hai aur rakshabandhan ke pehle pedon ko raksha sutra bandh kar unke sanrakshan ka sankalp leti hai. Aaj is parampara ne jan jan ko paryavaran ke murid bana diya hai. करीब 17 साल पहले चारों तरफ मार्बल खदानों से गिरा पीपलांत्री गांव बंजर था, लेकिन इस खास पहल से पीपलांत्री गांव हरा भरा हो गया है। गांव में बेटी हो या बेटा, उनके पैदा होने पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। जब तक वो पौधा बड़ा नहीं हो जाता, उसका देखरेख पूरा परिवार करता है और फिर रक्षाबंधन पर्व से एक दिन पहले यहाँ की बेटियाँ उन्हीं पेड़ पौधों को राखी बांध कर रक्षा का संकल्प लेती है। पीपलांत्री पंचायत में हर साल रक्षाबंधन पर एक फंक्शन रखा जाता है, जैसे कि रक्षाबंधन पर पेड़ों को राखी बांधी जाती है और बेटी होने पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। तो 111 पौधे लगाए जाते हैं और साथ ही इसके साथ जब जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है, वैसे वैसे उन पौधों की भी रक्षा की जाती है और मैं बेटी को भी रक्षा की जाती है। इस दिन गांव की बेटियां सज धज कर एक थाली में कुमकुम, चावल, रक्षा सूत्र के साथ एक नारियल लेकर वहाँ पहुँचती है जहाँ पेड़ को रक्षा सूत्र बांधती है। इस परंपरा ने अब बड़ा रूप ले लिया है।
ढोल नगाड़ों के साथ दूर दूर से बेटियां पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए यहां पहुंचती हैं। गांव की बेटियों ने बताया कि जिस तरह से विश्व पर प्राकृतिक आपदा का खतरा मंडरा रहा है, कहीं ना कहीं ये मॉडल पर्यावरण को बचाने के लिए सार्थक कदम है। देश ही नहीं विश्व को भी इस मॉडल को अपनाना चाहिए, जिससे एक बार फिर पर्यावरण को संतुलित किया जा सके। और हम यहाँ हर साल आते हैं राखी बांधने पेड़ों को, और हमने ये संकल्प ले रखा है हमने कि हम हर एक पेड़ की रक्षा करेंगे और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे और यहाँ और भी लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि लोग सारी जितनी भी लड़कियां हैं हमारी जैसी सब यहाँ पे आए, लड़के ही नहीं लड़के भी हों ऐसे जो यहाँ पे आए और पेड़ों की रक्षा करें। हम यहाँ पे हर साल पेड़ों को राखी बांधने आते हैं। हम यहाँ के पेड़ों को भाई जैसा मानते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग पेड़ पौधे देखते हैं। हम हर साल यहाँ पे आते हैं। यहाँ आकर मुझे इतना अच्छा लगा और पेड़ एकदम हमारे भाई की तरह, इन्हें राखी बांधा और मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, फर्स्ट टाइम। और पेड़ लगाना अच्छी बात होती है और पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है इस वजह से। इस अनोखे रक्षाबंधन को देखने और इस मॉडल को आत्मसात करने के लिए दुनिया भर से पर्यावरण प्रेमी यहाँ पहुँचते हैं। पीपलांत्री पंचायत से जल जंगल पर्यावरण और बेटी बचाने का संदेश लेकर जाते हैं। पीपलांत्री मॉडल को दुनिया के कई देशों में स्कूली कोर्स में भी शामिल किया गया है, जिससे बच्चे पढ़कर इस मॉडल को अपनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आशीष चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, राजसमंद। राखी का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को तो मजबूत करता ही है, साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव की भावना भी पैदा करता है। नागौर जिले के कुचामन शहर में इसकी वानगी देखने को मिलती है, जहां रहीम के हाथ से बनी राखी राम की कलाई पर बांधी जाती है। नागौर जिले का कुचामन सिटी एक ऐसा शहर है जहां रहीम के हाथों बनाई हुई राखी राम के हाथ की कलाई पर बांधी जाती है। जी हां, कुचामन सिटी शहर में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम परिवार राखियां बनाते हैं और कई राज्यों में मशहूर इन्हीं राखियों को बहनें अपने भाई की कलाई पर बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं। कुचामन की ये मिसाल अपने आप में अनोखी है, जो कि भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत तो बनाती ही है, साथ ही भारत की गंगा जमुना तहजीब की मिसाल भी पेश करती है। राखी बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों का कहना है, गैर मजहबी भाइयों से हमारे प्यार को हमारे हाथ की बनी राखी बांधकर महसूस किया जा सकता है। राखी बनाने वाली महिलाएं भी राखी बनाकर अच्छा महसूस करती हैं। उनका मानना है कि जब भी हम किसी हिंदू भाई के हाथ में राखी बंधी हुई देखते हैं तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है। आखिर भाई और बहन के पाक रिश्ते को मजबूत करने में कहीं ना कहीं हम भी शरीक होते हैं। हम सब मिलकर मनाते हैं। वैसे तो ये राखी हिंदुओं का त्यौहार है, पर हम भी कहते हैं हमें भी सुकून मिलता है, हमें भी खुशी मिलती है, वो हमारे भाई बंदे इसलिए हमें सुकून मिलता है। गुजरात, इंदौर, बड़ौदा, अहमदाबाद, इधर हमारा माल जाता और इधर भी जाता है, भीलवाड़ा, नीमच, उदयपुर, चेचक, निवाई, चाकसू, इधर सब जगह माल जाता। कुचामन के राखी बनाने वाले इन परिवारों को राखी बनाने से रोजगार तो मिलता ही है, साथ ही इस बात की संतुष्टि भी होती है कि उनकी बनाई राखियां ही वो जरिया है जिनसे भाई बहन के रिश्ते के साथ साथ इलाके में कौमी एकता की डोर भी मजबूत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरारी गोट, कुचामन। जब हम रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, अपनों के साथ खुशियां मना रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे जवानों का, जो सीमा पर डटे हुए हैं। झालावाड़ के झालरापाटन में भगवान द्वारकाधीश मंदिर से महिलाएं देश के सैनिकों के लिए राखियां भेजती हैं और सभी भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है रक्षाबंधन। बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी सलामती की दुआ करती हैं। लेकिन कई भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने देश की रक्षा का वचन भी दिया है, वो देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर तैनात है। ऐसे भाइयों की बहनें उनकी सलामती की दुआएं तो करती ही हैं, साथ ही उनको रक्षा सूत्र भी भेजती है। और जब बात मरुधरा की हो तो यहाँ की कण कण में देशभक्ति है। हजारों भाई ऐसे होते हैं जो बहन से मिल नहीं पाते। झालरापाटन के भगवान द्वारकाधीश मंदिर पर महिलाएं देश के सैनिकों के लिए राखियों को एकत्रित कर
सैनिक भाइयों को राखियां भेजती है। हमारे सहयोगी आरिफ मंसूरी से ऐसी एक बहन सुशीला चौधरी ने अनुभव साझा किए और बताया कि उनका भाई राहुल चौधरी चाइना बॉर्डर पर तैनात है। राहुल चौधरी की जब जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग थी तो आतंकवादियों से मुठभेड़ में कई आतंकवादियों को मार गिराया था। इस बहन ने और भाई के लिए रक्षा सूत्र भेजा है। उन्हें राखियां भेज रही है सैनिकों के लिए। मेरा भाई स्वयं आर्मी में है, वो चाइना बॉर्डर पे है। उनके हम ना तो पूछ जा सकते ना वो राखी रक्षाबंधन पे खुद आ सकते, इसलिए मैं राखी में यहाँ से भेजा। बात होती है 10-15 दिन से लेकर हो पाती है, 2-4 मिनट के लिए चाइना बॉर्डर पे डायरेक्ट बात नहीं नेटवर्क नहीं आता। सुशीला 17 साल में 2 ही बार भाई की कलाई पर राखी बांध सकी। हर बार भाई को राखी कुरियर से भेजती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप तक पहुँचाएंगे रक्षाबंधन से जुड़े कुछ खास रोचक तथ्य आप सभी तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं हमारे इस खास सफर की। रक्षाबंधन पर्व को लेकर शिक्षा नगरी कोटा के बाजार भी गुलजार है। बाजारों में राखियों की रौनक के साथ मिठाइयों की खुशबू भी महक रही है। आइए देखते हैं कोटा के बाजारों में क्या खास है इस रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन पर्व को लेकर कोटा के बाजारों में जमकर खरीददारी हो रही है। शहर के पुराना कोटा के बाजार रक्षाबंधन पर्व पर गुलजार है और कोरोना के बाद बाजारों में रौनक बनी हुई है। बाजारों में राखियों की कई वैरायटीज मौजूद है। ट्रेडिशनल से लेकर नई ट्रेंड की राखियां बाजार में मौजूद है। बहनें अपनी पसंद के मुताबिक भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए राखियां खरीद रही है। राखी का नया प्रिंट है सब आपके नया इस साल। एक जरदोई जी की इसके कुंदन की राखियाँ ज़्यादा आई हैं। हाँ, ये लगी हुई आपके सामने सब सारी वैरायटी। ये इधर लगी हुई है डायमंड वगैरह में नई वैरायटी, अगले साल से हट के वैरायटी है आपके। बहुत सारी वैरायटी है इस बार तो, इसकी भैया भाभी वाली राखी, बच्चों की तो इस वाली बहुत सारी है इसमें। कोटा का रामपुरा बाजार घेवर की खुशबू से महक रहा है। कोटा के रामपुरा बाजार में बनने वाले खास घेवर तैयार किए जा रहे हैं। वैसे तो घेवर की बिक्री पूरे सावन के महीने ही होती है, लेकिन राखी पर विशेष तौर पर मिठाई के तौर पर बहनें घेवर से भाइयों का मुंह मीठा कराती है। यहाँ 400 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति किलो तक के भाव वाले घेवर मौजूद है, जिसमे साधारण से लेकर रबड़ी वाले घेवर भी शामिल है। घेवर बनाने का सिलसिला सावन का महीना स्टार्ट होता है, उसके पहले से स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो हम 12 महीने घेवर बनाते हैं और ये एक महीने अलग ही डिमांड रहती है। हम पब्लिक की पूर्ति कर नहीं पाते किसी भी कारण, किसी भी प्रकार से। तीज और तीज के बाद फिर राखी पे और ज़्यादा बिकते हैं घेवर। राखी के 3-4 दिन पहले से मेला लगा रहता है। अब काल के बाद जहां एक और बाजारों में रौनक होने से व्यापारियों के चेहरे खिले हैं, तो वहीं ये पर्व वाकई फिर से त्योहारों के उल्लास को दोगुना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुल मोहम्मद मुल्तानी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा। जालोर और चूरू जिले में भी रक्षाबंधन को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ दुकानदार हो या बहने, हर कोई इस भाई बहन के त्योहार को लेकर उत्साहित। देखिए फर्स्ट इंडिया की एक खास रिपोर्ट।
जालोर में भी रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में दुकानें रक्षाबंधन को लेकर राखियों से सजी हुई है। अलग अलग तरह की राखियों से बाजार सजा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं बहनें भाइयों के लिए राखियां खरीद रही हैं। राखियों की खरीद को लेकर बहनें भी खुश नजर आ रही हैं। बाजार में डायमंड की राखी, केसर की राखी, रुद्राक्ष की राखी, चांदी की राखी सहित बच्चों के लिए भी अलग तरह की आकर्षक राखियां देखने को मिल रही है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी लूणाराम दर्जी ने। जालोर में भी जिले भर में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में राखियों की जो दुकान है वो सज चुकी है। लगातार जो लोग हैं वो राखियों की खरीद कर रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ एक दुकान पे, आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग प्रकार की जो राखियां हैं वो यहाँ सजाई गई है। पूरी दुकान आप देख पा रहे हैं कि सजी हुई है और पूरी दुकान पे जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, वो राखियां खरीदने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लगातार पहुँच रहे हैं। अलग अलग वैरायटी की राखियां हैं, बच्चों के लिए भी राखियां हैं, तो उसके साथ ही अलग अलग वैरायटी की राखियों को देखकर लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और उस उत्साह को लेकर रक्षाबंधन से पहले इस राखियों की खरीद हो रही है और खरीदारी के लिए लोग पहुँच रहे हैं। दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कितनी वैरायटी की राखियां इस बार सजाई गई है। 50 क्वालिटी की अच्छी अच्छी राखी है। चंदन की राखी है, केसर की राखी है, रुद्राक्ष की राखी है, बेंटेक्स की राखी है, गुलाब की राखी है, बच्चा की खिलौने की राखी है, लाइट वाली भी राखी है। जैसी प्रकार की चाहिए 50 क्वालिटी राखी अलग अलग प्रकार की मिलेगी। भाई बहन का प्रतीक रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा त्यौहार है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की, जैसे कि आप देख सकते हैं, कलर जैसे कि डायमंड की राखियाँ हैं और कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। और राखियों की इस बार बहुत ही अच्छी सीजन है और बहुत ही बाजार में भीड़ है और उत्साह के साथ लोग रक्षाबंधन के लिए अपनी बहनें भाई के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी राखियां खरीदने के लिए बाजार में आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे फैंसी राखी, मोतियों की राखी और जड़ी वाली राखी, तो बच्चों के लिए लाइटिंग वाली राखी, लूडो की राखी, मिठाई वाली राखी, अनेक प्रकार की राखियाँ 2 रुपए से लगा के और 200 रुपए तक की हर वैरायटी। इस बार ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी ठीक ठाक है, अच्छी और ठीक ठाक ग्राहकी। वहीं चूरू में भी भाई बहनों के अटूट संबंधों का प्रतीक रक्षाबंधन की धूम देखने को मिल रही है। इस पर्व को लेकर चूरू शहर के सभी इलाकों के बाजारों में राखी की दुकानें सजी हुई है। बहन अपने भाई की कलाई के लिए अलग अलग डिजाइन की राखियां ले रही है। राखियां खरीदने वाली बहनों ने इस रक्षाबंधन के मौके पर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। कच्चे धागों का पक्का प्यार कहा जाने वाले बहने हैं वो भाइयों की कलाइयों पे राखियां बांधने के लिए बेताब रहती है और भाई से रक्षा का वचन मांगती है। लेकिन आजकल बाजार में बड़ी फैंसी राखियां आ रही है। कलकत्ते की राखियां काफ़ी फेमस मानी जाती है और यहाँ के जो व्यापारी है वो कलकत्ते की राखियां लेके आती है जो कलावे पे बांधी जाती है और मोतियों और रुद्राक्ष से बनी हुई ये राखियाँ बहने पसंद करती है और तरह तरह से यहाँ पे खरीदी जाती है और बाहर भेजने के लिए भी राखियों को है वो खरीदा जाता है। डाक से, कोरियर से भी भेजा जाता है राखियों को। हमारे साथ यहाँ पे कुछ बहनें आई हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आप किसके लिए राखी खरीदने आई हैं? भाइयों और सब परिवार वंजनों के लिए। राखियों का इंतजार रहता है और जब आप राखियाँ देखने आई हैं तो किस प्रकार की राखियाँ पसंद करती है और राखी का इंतजार किस प्रकार रहता है? राखी का इंतजार रहता है कि भाइयों का प्रेम बढ़ता है इससे और इससे हमें लगता है कि हमें और भी उत्सुकता बढ़ती है कि राखी आती है जब बहनों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। राखी का त्यौहार है, बहनें वो राखियाँ बांध कर है वो भाई से रक्षा का वचन मांगती है। आजकल बेटा और बेटी में ज़्यादा फर्क नहीं रहा, तो क्या दोनों ही एक दूसरे की रक्षा करने के लिए तैयार रहे? हाँ, दोनों ही एक दूसरे की रक्षा करने के लिए तैयार रहे। दोनों ही प्रॉमिस करते हैं रक्षाबंधन के अवसर पर कि हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। ग्राहक ये कलकत्ते की राखियाँ पसंद करते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा, और कलावा हो गया, वो है डोरी, लुम्बे, कड़े और बच्चों की फैंसी राखियाँ लाइटिंग की। राखी को लेकर बहुत ही बढ़िया उत्साह है। ये 12 महीनों से एक बार ये त्यौहार आता है, इसलिए हम सब बहनों को बहुत अच्छा लगता है। तो रक्षाबंधन है वो भाई और बहन को आपस में बंधन में बनाए रखने के लिए भी काफ़ी कारगर साबित हो रहा है और बहन भाई इस बहाने मिल भी लेते हैं। देश और विदेशों में रहने वाले भाई भी बहन है इस दिन मिलने की कोशिश करते हैं। राखियों को लेकर काफी उत्साह है। चूरू फर्स्ट इंडिया से संजय बड़जबर। सूर्य नगरी यानी कि जोधपुर में हर त्योहार को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है। राखी के त्योहार पर यहाँ बहनें भाइयों को मनपसंद मिठाइयाँ खिलाती है और जोधपुर की पारंपरिक मिठाइयाँ तो सात समंदर पार तक प्रसिद्ध है। जोधपुर में राखियों के साथ साथ मिठाइयों के भी बाजार सज गए हैं। साथ ही गिफ्ट हैम्पर भी इस बार बाजार में नए आए हैं। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने। राखी का त्यौहार खुशियों का त्यौहार,
पूरे भारतवर्ष में इस त्यौहार का अपना एक अलग महत्व है। अपने भाई की कलाई पर जब बहन राखी बांधती है तो भाई रक्षा का वचन देता है। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में इस त्यौहार को लेकर देखिए, जोधपुर में भी हाउसिंग बोर्ड इलाके के अंदर नई तरह की राखियाँ जो हैं वो यहाँ पर हैं। चाहे अगर बात करें गुजरात की, बात करें राजकोट की, बात करें वहाँ की राखियाँ, पश्चिम बंगाल की बात, कोलकाता की राखियाँ हैं वो यहाँ पर अलग अलग अंदाज में सजी हुई नज़र आ रही है। जोधपुर का त्रिपोलिया हो, रातनाडा हो, हाउसिंग बोर्ड हो, कुड़ी हाउसिंग बोर्ड हो, या फिर सूरसागर इलाके में राखी के जो कारखाने, वहाँ पर तमाम जिस तरीके से राखियाँ जो आ रही हैं, तो सबसे पहले एक बहन से ही बात करते, कैसे देखते राखी के त्यौहार को? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार होता है भारतीय समाज में। भैया, ये राखी का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भगवान की राखी का बंधन है और ये राखी का बंधन है जो भाइयों का प्रेम है, और इसको रक्षाबंधन के लिए हम उनकी रक्षा करने के लिए राखी बांधते हैं। कहीं ना कहीं इसकी परंपरागत है। जय कुमार से बात करें तो आप इतने सालों से राखियों का व्यवसाय कर रहे हैं, इस बार नया क्या है, व्हाट इज न्यू? अब इस बार भाइयों से ज़्यादा लेडीज़ की राखियाँ ज़्यादा चलन हो गया है। भाई और उसकी वाइफ जो होती है सबको साथ में बैठा के बांधते हैं, जैसे जैसे ट्रेंड फॉलो करते रहते हैं, न्यू ट्रेंड आता है। लेकिन पहले कुछ भी फीमेल की बेस ज़्यादा राखियों की पसंद की भी होती है, अब तो एक चलन और चल पड़ा है राखियों में, कुछ इस तरह का फैशन आ गया है कि महिला कुछ दिन पहले से ही अलग अलग अपने ड्रेस के मुताबिक जो हैं वो हाथ में कंगन हो, हाथ में लटकन हो, उनका जो ज़माना आ गया। लेकिन कुछ भी हो, राखी के त्यौहार का महत्व कभी खत्म नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। परंपरागत तरीके से रिश्तों में मिठास के लिए, रिश्तों में प्यार के लिए, रिश्तों में अपनत्व के लिए ये जो त्यौहार है, जोधपुर की सेंट्रल जेल के अंदर भी जब राखी का दिन होता है तो बहनें अपने भाइयों के लिए, भाई जैसा भी है लेकिन भाई तो आखिर भाई होता है। कुल मिलाकर के पश्चिमी राजस्थान में राखी के त्यौहार को लेकर के तमाम आवश्यक तैयारियां शुरू हो गई है। भगवान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो देखा आपने मरुधरा में राखी के कितने रंग हैं, लेकिन हर जगह मकसद सिर्फ एक, प्यार प्रेम सौहार्द। तो भाई बहन का प्यार यूं ही बना रहे और आप इसी तरह हर त्योहार को सेलिब्रेट करते रहे। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। नमस्कार।